समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथारीत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया है, बोले प्रभुपाद हमें किसकी सेवा करनी चाहिए, तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं, गुरु व भगवान अध्यक्ष सज एर संगे जहार आर्जेस्ट में ते अच्छे तीनी गुरु के ईश्वर स्वरूप देवता रूपे देखछे। यहाँ पर कह रहे हैं जो सेवा किसको करनी चाहिए, कहते सबको सेवा नहीं करनी चाहिए। आप जिसको सेवा करोगे ना उसको प्रति आसक्ति हो जाओगे, जिसके प्रति सेवा करोगे फिर क्या होगा, अगर वो सत वस्तु नहीं हो तो फिर क्या होगा, फिर तुमको उल्टा फल मिलेगा, वो सही फल नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं सेवा करनी चाहिए, कहते गुरु भगवान एवं अध्यक्ष जो वस्तु को सेवा अगर हम करेंगे, जो हमारी इंद्रिय से अतीत जो भगवान है, फिर क्या होगा, फिर धीरे 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 हम भक्ति जगत में बढ़ सकते हैं। अगर जैसे तैसे व्यक्ति को सेवा करेंगे फिर क्या होगा, जैसे भागवत में आती हैं निर्गम महाराज ने सेवा की, बोले किसकी सेवा की, ब्राह्मण को। बोले वो कौन सा ब्राह्मण थे, बोले कर्मकांडी ब्राह्मण, वो भक्त ब्राह्मण नहीं थे। कहते इतने उन्होंने दान दिया, कहते पृथ्वी का धूल कण को कोई गिन सकता, बारिश का बूंद को कोई गिन सकता, लेकिन उनको दान को कोई नहीं गिन सकता। लेकिन भविष्य में क्या फल मिला, गलती से जो गया उन्होंने संकल्प करके एक ब्राह्मण को दिया था, वो भूल से कैसे आकर मिल गया, उसने भूल से कैसे के दे दिया, तो दोनों ब्राह्मण लड़ाई की और तू मैं करते करते अभिशाप दिया, बोले जा तू गिरगिट बन गया। बोले गिरगिट जैसे रंग बदलाते हो, और कितना साल तक गिरगिट बना, लाख साल तक उसने गिरगिट बन करके रहा है। इसलिए कहते अगर दान अगर कहीं गलती जगह पर चले जाए ना, उसको भोगना पड़ेगा है, भोगना पड़ेगा। बोले एक सेठ जा रहा था नाव में, देखा उसमें संत लोग बैठे हुए थे, सबको उसने एक एक रुपया दिया, सबको तो एक एक रुपया दिया, जब देखा सबके एक रुपया देता हूँ जो केवट उसको भी एक रुपया दे देता हूँ, जो नाव चला रहा था सबको दे रहा था ना, उसने उसको भी एक रुपया दे दिया। अभी जिन संतों को उन्होंने पैसा दिया है, संत लोग पैसा क्या करते हैं, उन्होंने तो भगवान की सेवा में लगाया, ठाकुर को सेवा में लगाए, ठाकुर जी के लिए फूल फल धूप दीप ये सब उन्होंने ठाकुर जी के लिए लगाया। लेकिन जिस जो एक रुपया दिया किसको, केवट को, उसने एक रुपया में ना जो मछली पकड़ते हैं उसके कांटा बना के खरीद किया है, कांटा खरीदी करके उसे हजार मछलियों को मारा। जब मरने के बाद गया ऊपर, बोले देखो इसका पाप पुण्य कितना है, हैं कितने पाप पुण्य, बोले इसने तो पुण्य बहुत किया है, लेकिन एक रुपया उसने केवट को भी दिया, और जिससे केवट ने हजार मछलियों को उन्होंने मारा, इसका दंड भी उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जिस समय हम दान देते हैं ना, हमको देख सुन करके सोच करके देनी चाहिए, जो दान का जो वस्तु हम कहाँ दे रहे हैं, दान का वस्तु हमें कहाँ दे रहे हैं। और दूसरी बात है, जिनको देते हैं ना वो साधु लोगों को भी विचार करनी चाहिए, देखो ये किसने भगवत सेवा के उद्देश्य में ये पैसा दिया है, ये चीज़ हमारी भोग में जैसे नहीं लगी, सचमुच से एक एक पैसा क्या हो, एक एक पैसा भगवान की सेवा में अगर लगाएंगे, जो देने वाला का भी कल्याण है और लेने वाला का भी कल्याण है, नहीं तो दोनों का ही कल्याण नहीं होगा। जिसने इसको अपव्यवहार करेगा उसको भी दंड भोगना पड़ेगा, और जो देगा उसको भी दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए गुरु भगवान और अध्यक्ष सज वस्तु कहते हैं उनको ही दान देनी, उनके ही सेवा करनी चाहिए, तभी तो हमारे कल्याण है। इसलिए तिनी गुरु के ईश्वर रूपे देवता रूपे दीक्षे, बोले अगर इनको दान करोगे तो क्या समझते हैं, कहते हैं कहते जिनको आप दान दे रहे हो वो गुरु एवं ईश्वर के वो देवता रूप में देख करके वो तुम्हारी अर्थ को वो भगवत सेवा में लगाएंगे हैं, तभी तो आपका भी कल्याण और लेने वाले का भी कल्याण, नहीं तो अगले जीवन में कुत्ता बनना पड़ेगा, कुत्ता बन करके हैं, कुत्ता बन करके फिर तो उसको कर्मफल भोगना पड़ेगा। इसलिए साधुओं को
सावधान रहनी चाहिए। हमें जो भगवत सेवा में जो वस्तु दिया, हम इसको कोई गलत काम में तो कहीं नहीं लगा रहे, और पैसा तो कहीं कहीं गलत रास्ता पर कहीं तो नहीं जा रहा है, इसलिए कभी भी इस वस्तु को गलत काम में नहीं लगानी चाहिए। गुरु और सेवक भगवान व आश्रय विग्रह, कहते गुरुदेव कौन है, कहते ये गुरु सेवक भगवान ये आश्रय विग्रह है। इसलिए जैसे हम लोगों को कहते ना प्रभु, प्रभु कहते ना, हैं सबको प्रभु कहते, अमुक प्रभु जी, अमुक प्रभु जी, अमुक प्रभु जी, कहते भाई प्रभु तो एकमात्र प्रभु भगवान है, भगवान तो प्रभु है, लेकिन फिर हम ये हम इनको प्रभु प्रभु बोल कर बोलते ना, हैं इनको सब प्रभु प्रभु बोलते हैं हमारे भक्त लोग को, फिर इनको प्रभु क्यों कहते हैं, प्रभु तो भगवान ही है तो इनको क्यों प्रभु कहते हैं, बोले कारण है, कहते इनको सम्मान देते हैं। जैसे नारद जी को भी कहीं भगवान शब्द प्रयोग किया, जैसे भगवत अवतार 26 अवतार चतुसन पहला अवतार, इनको भगवत अवतार बताया, नारद को भी अवतार बताया गया है, इनको भी अवतार बताया गया है, इसलिए इनको ये एक सम्मान सूचक पद है, जो प्रभु ये एक सम्मान सूचक ये पद है, हैं ये प्रभु है। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हरिनामृत व्याकरण में वहाँ पर प्रभु और विभु उन्होंने ये दो शब्द प्रयोग किया है, कहते प्रभु किसको बोले, बोले केवल जो है कहते उसको प्रभु बताया, और विभु किसको बताया, बोले विभु बताया, भगवान को विभु बताया। इसलिए एक भक्तों को सम्मान देने के लिए भगवान बा प्रभु केवल ये सम्मान सूचक ये पद, इसका मतलब नहीं हम भगवान हो गए, हम भगवान हो गए। इसलिए कहते जो गुरुदेव है ये कौन है, कहते ये सेवक भगवान गुरुदेव है, और बा आश्रय विग्रह ऐ जने गुरु भगवान और भक्त जुगपद, ऐ जने गुरु भगवान और भक्त कहते ये जुगपद है, चूंकि गुरुदेव आश्रय विग्रह होने का नाते गुरुदेव को भी भगवत शब्द प्रयोग किया है। इसलिए जैसे हमारे हम गुरु जी का वंदना करते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तता भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभुर्ज्य प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद, कहते साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, गुरुदेव को कहते साक्षात हरि रूप में गुरुदेव का वंदना किया, बोले किस लिए साक्षात हरि बताए, बोले भगवान से ये अभीर न होने का नाते गुरुदेव को भी भगवान शब्द प्रयोग किया है, भगवत शब्द प्रयोग किया है, हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, यद्यपि अमर गुरु चैतन्य रे दास तथापि जानिए आमी ताहर प्रकाश, इसका मतलब है कहते अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब दास, ईश्वर कौन है, बोले कृष्ण ही अकेला हमारा ईश्वर है, और कृष्ण को छोड़ करके जगत में सब उनके दास है, हाँ अकेला ईश्वर कृष्ण सब दास, जैसे बलदेव प्रभु हैं, बलदेव प्रभु ये भी दास है, हैं ये भी दास है, कहते ये सबके, लेकिन प्रभु कौन है, केवल जगन्नाथ ही केवल प्रभु है, इनको छोड़ करके राधा रानी अभी उनकी सेविका दासी है, केवल ईश्वर केवल भगवान कृष्ण सब उसकी दास, और जगत में कोई प्रभु नहीं, एक प्रभु जगन्नाथ है, जगत का नाथ है। तब यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं इसी दृष्टिकोण से हमारे गुरुदेव कौन हुए, वो भी भगवान की दास हुए हैं, क्योंकि अकेला कृष्ण ही ईश्वर है, लेकिन एक शिष्य को गुरु जी को किस रूप में देखनी चाहिए, बोले तथापि जानिए आमी ताहार प्रकाश, एक जो शिष्य है वो गुरुदेव को भगवान की प्रकाश रूप में ही मानते हैं, क्योंकि भगवत बुद्धि गुरु जी का प्रति जीव कई भगवत बुद्धि होनी चाहिए, उनको जड़ बुद्धि नहीं होनी चाहिए, अगर उनकी जड़ बुद्धि हो गया, हम भी खाते हैं गुरुदेव भी खाते, हम भी सोते गुरु जी भी सोते, हम भी बोलते गुरु जी भी बोलते, अगर जड़ बुद्धि हो गया ना, बोले से गुरु सु नरम मत जस स नारकी, कहते गुरुदेव का प्रति जिसका नर बुद्धि हो गया साधारण बुद्धि, कहते वो नारक व्यक्ति है, हैं नरक में वास करने वाले व्यक्ति है, उनकी जितने शास्त्र पात्र सब पढ़ना पढ़ना सब बेकार हो जाता है, जो गुरु जी को ऊपर जड़ बुद्धि जो करता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ऐ जने गुरु भगवान ये भक्त जुगपद,
कहते गुरु भगवान है आओ भगवत प्रियतम, कहते ये गुरु भगवान लेकिन होते हुए भी ये कौन है, अत्यंत भगवान का ये प्रिय है। इसलिए गुरु पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रे प्रमाण। कहते गुरु कौन है, बोले गुरु ये पूर्ण शक्ति, और कृष्ण कौन, बोले कृष्ण शक्तिमान। इसलिए शक्ति शक्ति मतर अभे, शक्ति शक्तिमान अभे, इसी दृष्टिकोण से कहते ये इसमें कोई भेद नहीं। कहते जिन्हें 24 घंटा भगवान ने सेवा करे सही भगवत भक्त गुरु सेवा करा दरकार। यहाँ पर कहते हैं बोले कौन सा गुरु जी की सेवा करनी चाहिए, बोले जो गुरुदेव जो 24 घंटा में 24 घंटा जो भगवान की भजन करते हैं, जिनका समय कभी इधर उधर नहीं जाता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि देखो हम अपना गुरुदेव को क्या समझते हैं, कहते ये नित्यानंद अभिन्न कलेवर, कहते ना ये हमारी नित्यानंद अभिन्न कलेवर हम गुरुदेव को कहते हैं। तब प्रभुपाद कहते क्या सबको इसे माननी चाहिए, ये सबके सब नित्यानंद अभिन्न कलेवर सब गुरु जी को माननी चाहिए। प्रभुपाद कहते नहीं सबको नहीं माननी चाहिए, बोले किसको माननी चाहिए, बोले ये नित्यानंद प्रभु करते हैं क्या, कहते बलदेव प्रभु करते हैं क्या, बोले बलदेव प्रभु कहते 10 शरीर और 5 रसों से हर समय भगवान की सेवा करते, कृष्ण की ये सेवा हर समय प्रभु की सेवा करते हैं कौन, श्री बलदेव प्रभु। अगर हमारे जो गुरुदेव है, अगर सचमुच से हमारे गुरुदेव अगर उनके आदर्श को अगर फॉलो करते हैं, हैं ऐसे नहीं ऐसे कुछ संप्रदाय है ना जय गुरुदेव भगवान भगवान कुछ नहीं, मंदिर में जाकर के देखना जय गुरुदेव का भगवान भगवान कुछ नहीं, बस गुरुदेव के ही भगवान रूप में गुरुदेव को बैठा दिया। हाँ हाँ कल हम किससे बात कर रहे थे, हाँ कल एक कोई एक भक्त आए थे, हमने बोला बेटी को जल्दी जल्दी शादी करवा दो, बोले हाँ एक को साथ में तो गए थे एक घर में, लेकिन वहाँ पर देखा ओसो भगवान, वो ओसो भगवान को पूजा करते हैं, उन्होंने गुरुदेव को ही भगवान की सिंहासन बैठा है और भगवान भगवान कुछ नहीं, वो ओसो को ही पूजा कर रहे हैं। हमने वो कह रहे हैं, हमने कहा ये भगवान तुम्हारी कहाँ है, तुम्हारी भगवान कहाँ है, बोलते ही तो भगवान है, बोले ये थोड़ी भगवान है, भगवान तो कृष्ण भगवान तो राम है, तुम तो यहाँ पर ओसो को बैठा दिया, बोले हम इनको ही पूजा करते इनकी भक्ति करते। इसलिए कहते भैया जब तक हम शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में नहीं आएंगे ना, इसलिए शास्त्र कहता है संप्रदाय विहीना जे मंत्रास्ते है विफला मता, इसलिए जब तक हम शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में नहीं जुड़ेंगे ना हमें सही सही भगवत सेवा के मार्ग में नहीं मिलेगा, हम भटकते हुए रास्ता में चले जाएंगे। इसलिए नियम है हमें किसी शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में जुड़नी चाहिए, नहीं तो वो मंत्र निष्फल है, वो मंत्र निष्फल हो जाता है। इसलिए ऐसे और भी बहुत सारी संप्रदाय हैं जहाँ पर भगवान की भक्ति भक्ति कोई बात है नहीं, वहाँ पर बस भगवान के स्थान पर गुरु जी को बैठा करके गुरु जी की पूजा करते हैं। बंगाल में वहाँ पर आप जाओ बस सारे गुरु परंपरा बैठे हुए, कोई भगवान भगवान कुछ है नहीं, हर क्योंकि शास्त्र का जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। अभी जो श्लोक को ना ये श्लोक को लोग ना उल्टा रास्ता में ले गए, कहते शास्त्र में तो बताया गुरु ही ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर बताए, इसलिए हमारे भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज कहते थे बोले गुरु अगर ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, बोले ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ जाएंगे, बोले ये सब लोग जाएंगे कहाँ अगर गुरुदेव हो गए तो। हाँ तब हमारे भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज कहते थे बोले क्यों उनको ब्रह्मा विष्णु महेश उपाधि क्यों दिया गया, कारण है गुरु जी तीनों का काम करते हैं, ब्रह्मा जी का काम किया बोले सृष्टि करना, बोले गुरुदेव जीव का हृदय में जो मंत्र को दे करके हृदय में जो बीज को बोते हैं ये सृष्टि करना, गुरुदेव पालन करते हैं बोले कैसे, बोले भक्ति को द्वारा हरि कथा को द्वारा, गुरुदेव संहार करते हैं बोले कैसे, अगर शिष्य कहीं गलत रास्ता पर जाता है कहते संत एवास छिंदंती मन व्यास संग उक्ति भी, ये वाणी रूपी कठोर शास्त्र रूपी वाणी से उसको गलत रास्ता से उसको बचाते हैं,
इसलिए गुरुदेव को ब्रह्मा विष्णु महेश बताया गया है। इसका मतलब नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं, गुरुदेव को ही सब कुछ मान लिया, गुरुदेव को पूजा, उनके भोग लगा, भगवान भगवान कुछ नहीं, नहीं। हमारे जितने शास्त्र देखो, नारद जी को देखो, वाल्मीकि को उन्होंने कौन सा नाम दिया है? राम का नाम दिया ना उन्होंने। व्यास देव को क्या बताया? भगवान की कथा लिखो। तब उन्होंने ध्रुव जी को कौन सा नाम दिया? ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद को क्या दिया? भगवान के नाम। इसलिए जो गुरुदेव है वो अपना नाम नहीं देते हैं, वो भगवान का नाम देते हैं। इसलिए विश्वनाथ कवि ठाकुर जो गुरुभाष्टक में ना उनने सारी गुरु तत्व कैसे होनी चाहिए उनने सब गुरुभाष्टक में उन्होंने लिखे दिया। उन्होंने क्या बताया? बोले सदा रत जिनी है शिविक्र आराधन नृत्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाद युक्त भक्तांश निजुंज तो भी बंदे गुरु श्री चरणार। कहते गुरुदेव क्या करते हैं? बोले खुद भगवान की सेवा भक्ति प्रभु का नाम करते हैं और उनको पास में आए हुए व्यक्ति को प्रभु की भजन में लगाते, भगवान की भक्ति में लगाते, अपना सेवा में नहीं लगाते, भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। बोले भैया तुम भी भगवान के नाम करो, सेवा करो, तभी तुम्हारी कल्याण है तुम्हारी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो 24 घंटा में 24 घंटा कहते जो भगवत भजन भगवत सेवा के बगैर जिनको कुछ नहीं जानते हैं। बोले गुरु सेवा रे संगे संगे गुरु निष्ठा वैष्णव रे सेवा कराओ आवश्यक और मंगलकर। अभी अगर कोई बोलेगा नहीं केवल गुरु मत गुरु जगत गुरु मतनाथ जगन्नाथ है, शास्त्र में बताया है। इसलिए मेरे गुरुदेव गुरुदेव और किसका गुरुदेव? गुरुदेव केवल मेरा ही गुरुदेव गुरुदेव है। शास्त्र में बताया गुरु जी के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। इसका मतलब नहीं गुरु जी की सेवा करना और कोई वैष्णव का सेवा नहीं करें, ऐसे नहीं। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं सभी को यथाजोग्य आदर देनी चाहिए। जे जन वैष्णव चिन्हिया लैया आदर करीबे जबे, जे जैसे वैष्णव है उनको ठीक वैसा में आदर देनी चाहिए हैं। इसलिए बोले अपना गुरु गुरु दूसरे का जो गुरुदेव गुरुदेव नहीं। इसलिए गुरुदेव एक उदाहरण देकर समझाया करते थे, जैसे मेरे गुरुदेव कौन है? श्री भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज हैं, उनका सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज। जब उनके सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज, अभी किसका गुरु और कौन है? चलो भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज किसका गुरु है? तो उनके लिए उनका गुरुदेव उनका गुरुदेव, मेरे लिए मेरा गुरुदेव मेरे गुरुदेव हैं। लेकिन मेरे लिए भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज क्या लगते हैं? ये वैष्णव लगते हैं मेरे लिए मेरे लिए। लेकिन उनका अगर कोई शिष्य होगा उनके लिए मेरे गुरुदेव क्या लगते हैं? वैष्णव वैष्णव। लेकिन उन्हीं के लिए उनका गुरुदेव तो गुरुदेव है ना, मेरे लिए मेरे गुरुदेव गुरुदेव, तब वो गुरुदेव क्या गुरुदेव हुए नहीं? फिर वो गुरुदेव हुए कि नहीं? वो भी गुरुदेव है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं वैष्णव का सेवा करना आवश्यक है मंगल कर, तब ये भगवत भक्त बोले भूयो लोकेर सेवा कर ले भूल लो पर कौन लाभ हवे ना। इसलिए कहते हैं कहते भगवत भक्त मान कर अगर गलत व्यक्ति का अगर हम सेवा करेंगे तो कहते भाई कल्याण नहीं होगा। सेवा करनी चाहिए वैष्णव का सेवा करनी चाहिए, सचमुच से जो भक्ति करते हैं उनकी ही सचमुच से उनकी सेवा करनी चाहिए, तब हमारी मंगलदायी कल्याण कर लगे। एक बार परमेश्वर प्रभु बोल रहे थे, एक बार वो कहीं जब किसी नया मंदिर में गए वहाँ पर ऐसे कोई साधु था, वो हर समय जिसको मिलेगा ना ए आकर मेरे पैरा दबा, जिसको देखेगा ए मेरे शरीर दबा, सो जाएगा बोले मेरे शरीर दबा। इसलिए आते ही भगवान अपने आप उनका हृदय में जो बैठे हुए वो अपने आप खुश हो जाते हैं। और जब वैष्णव खुश हो गए ना बोले भगवत प्राप्ति की कोई देर नहीं लगेगा। इसलिए शास्त्र ने बताया अगर जल्दी से जल्दी अगर भगवत भक्ति प्राप्ति का अगर कोई उपाय है ना, इसलिए महाप्रभु के बोले दो ही बात बताए, वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। दो का बात बताए, एक तो वैष्णव का सेवा करो गुरु जी की सेवा करो और हरि नाम कीर्तन करो, भाई दो काम है ना, ये दो काम से जल्दी हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगा। सबसे अगर जल्दी भगवत प्राप्ति ये गुरु वैष्णव की सेवा से जल्दी होता है।
इसलिए प्रभुपाद कहते हैं किंतु भविष्यत यदि केहो अभक्त हो जाए तबे तार जन्न श्रम स्वीकार करते हवे ना, तार सेवा परिवार जने व्यस्त होते हवे ना। जैसे कोई भक्त था, वैष्णव था, हम उनकी सेवा करते थे, लेकिन किसी कारण था उन्होंने भक्ति भक्ति भजन भजन को छोड़ छाड़ दिए, फिर क्या उनकी सेवा करनी चाहिए? बोले नहीं, फिर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। जब तक उन्होंने भक्ति किया, भजन किया, भगवान की कीर्तन भक्त सेवा करते, तब तक उनके हमने कोशिश की सेवा करने के लिए। जब उन्होंने भक्ति मार्ग उन्होंने चुत हो गया ना, फिर तो उनकी सेवा करने का कोई जरूरत नहीं है। देखो, इसलिए पेड़ में कब तक फल जब तक लगा रहता है पेड़ ना, तब तक स्वभावान है। पेड़ से अलग हो जाए तो फिर गड़बड़ी है, पेड़ से अलग हो जाए तो गड़बड़ी है। इसलिए जगत में अभी हम लोगों को लोग आदर क्यों कर रहे हैं? चूँकि हम गुरु जी के मंदिर में रहते हैं, ठाकुर का सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, हम लोगों को सेवा करते हैं, आदर देते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन जब मंदिर से कोई बाहर निकल जाओ, तुम कोई पूछेगा आदर? कोई नहीं पूछेगा तुमको। कोई वैष्णव बोल कर तुम्हें आदर नहीं करेगा तुमको फिर कोई। इसलिए कहते भैया जब तक कोई भक्ति करते हैं तब, अगर कोई चुत्तो हो गए तो कहते नहीं, फिर सेवा नहीं करनी चाहिए। कारण अभक्त सेवा कर ले अमंगल हवे। अगर जो अभक्त है, जो भक्ति नहीं करता, अगर उनको सेवा करेंगे तो उसमें तुम्हारी कल्याण नहीं है, वो अमंगल होगा। इसलिए भगवत भक्त रही अनुगत्य बस सेवा करा दरकार। इसलिए किसकी अनुगत्य करनी चाहिए? कि जो भगवत भक्त है उनकी अनुगत्य और उनकी सेवा करो। और विश्रम यह करते विश्रम भेणा गुरु सेवा, यह ही शास्त्र उपदेश। शास्त्र क्या कहते हैं? जो गुरु जी की जो सेवा है, विश्रम बस के द्वारा भगव गुरु सेवा करनी चाहिए। मतलब विश्रम मतलब एकांत रूप में, और उनको पूरा एकनिष्ठ और उनका अंदर में है जो अत्यंत अत्यंत उनकी अंतरंग रूप में गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। हैं जैसे हमारे गोपीगा जनार्दन महाराज है ना, जनार्दन महाराज, वो उनका गुरु जी को साथ में ना हंसी दिल की उनको साथ में बहुत करते थे, उनको गुरु जी को साथ में बहुत करते थे। लेकिन गुरु जी का प्रति गुरु बुद्धि है, और गुरुदेव बहुत खुश होते थे उसको। पावन गोसाई महाराज उनको साथ में बात करते थे, बहुत खुश होते थे, उन्हें हंसी दिलाई करते थे, क्योंकि उनको साथ में इतने सेवा में करते करते इतने उनकी अंतर्ग सेवा इतने इतने उनको साथ में सेवा में नियुक्त थे, एकदम उनको साथ में हंसी दिल की ये सब करते करते सेवा करते थे। और उनको गुरुदेव भी उनके ऊपर में बड़े खुश थे, उनके ऊपर प्रसन्न थे। इसलिए जो सेवा है गुरु जी को सेवा बहुत तरह का सेवा है। एक तो ये इस तरह का सेवा, जो दूसरे तरह से जो सेवा है, इसलिए महाराज कहते थे गुरु जी का जो हृदयगत जो भावना है, गुरुदेव का जो हृदयगत जो भावना को समझते हुए, कहते गुरु जी का हृदयगत भावना क्या है उनकी, कहते गुरुदेव क्या चाहते हैं कि शिष्य से, कहते ये निष्कपट होकर के हैं, ये निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति करे, गुरु जी की यही एक भावना है, हैं। इसलिए समस्त अभिलाष को परित्याग करके अन्याभिलाषिता शून्यम, जगत का सारे अभिलाष को छोड़ करके क्या करे, एकांत के रूप में ठाकुर जी की गुरु वैष्णव की सेवा करे। गुरुदेव का यही विशेष भावना, गुरुदेव का यही। इसलिए कभी कभी क्या होता है, पास में रह कर भी सेवा नहीं होता, दूर में रह कर भी सेवा नहीं होता है। कभी कभी होता है पास में रह कर भी सेवा होता है, और दूर में रह कर भी सेवा होता है। जैसे प्रभुपाद ने शिष्यों को सारा दुनिया में भेजा हरिकथा प्रचार करने के लिए, उन लोगों ने हरिकथा प्रचार किया शुद्ध रूप में, तो प्रभुपाद कितने सेवा की। लेकिन गुरुदेव को प्रभुपाद के पास में जो रहे हैं, उनका जो सेवक थे नरहरि विग्रह, उन्होंने भी गुरु जी प्रभुपाद की सेवा किया। लेकिन जो प्रचार करने के लिए गए, प्रभुपाद ने जिनको अलग अलग देश में भेजे, अलग अलग जगह पर भेजे, जाओ हरि भक्ति के प्रचार किया, उन लोगों ने भी प्रचार किया, उन्होंने भी सेवा किया है। इसलिए कभी कभी होता है पास में रहते हुए भी सेवा नहीं होता है। बोले क्यों नहीं होता है? लेकिन गुरु जी की अभीष्ट को नहीं जान करके रहते हुए भी जो विरोध करे, और गुरु जी को पास में रहते हुए भी शास्त्र को जो उल्लंघन करे, शास्त्र का उपदेश को स्वीकार नहीं करे, थोड़ी गुरु जी को पास में रहने पर भी थोड़ी गुरु जी को पास में रहा नहीं, लेकिन दूर में रह करके भी सेवा होता है, पास में रह करके भी सेवा नहीं होता है। इसलिए कहते गुरु जी की, कहते विश्रम भाव से गुरु जी की
सेवा करनी चाहिए। इसलिए कहते कहते विश्रम का अर्थ क्या है, बोले विश्रम का अर्थ होता है दृढ़ विश्वास न प्रत्यावा दृढ़ विश्वास व प्रीति सहित गुरु वैष्णव सेवा कर ले हबे ही हबे कृष्ण प्रसन्न हबे। कहते विश्रम का मतलब होता है मतलब दृढ़ विश्वास को साथ में प्रीति को साथ में दृढ़ विश्वास प्रीति को साथ में जब गुरु वैष्णव का हम सेवा करते हैं कहते जरूर मंगल होंगे, हमारी जरूर कल्याण होगा। इसलिए गुरु के मन से बुद्धि करते नहीं गुरु निर्दोष, सुतरां तार दोष देखते नहीं। इसलिए कहते गुरु जी की दोष नहीं देखनी चाहिए। गुरु जी को दोष देखने पर क्या होगा, बोले क्या होगा कहते ये दुर्बुद्धि आएगा है। इसलिए कहते देखने नहीं, समय और सुजग चिरकाल थाके ना, ऐ जने समय बा आयु थकते थकते साधु संगे हरि भजन रे सुजग सुविधा ग्रहण करा दरकार। प्रभुपाद लास्ट में कहते हैं कहते जो सुजग कहते समय और सुजग चिरकाल नहीं रहता है, सुजग और समय चिरकाल नहीं रहता है। जैसे अभी कभी हमारे भक्ति वेदर नारायण गुरुस्वामी महाराज एक समय हम भक्त लोग गए थे तो महाराज ये बात को बता रहे थे, जब गुरुदेव वृद्ध हो गए उनका तीन तीन बार ऑपरेशन हुआ गुरु जी के पेट में, कभी कभी गुरु जी का कभी हार्ट भी ऑपरेशन हुआ, तो महाराज कहते थे बोले देखो हम लोगों का अभी तुम लोगों का उम्र है, अभी तुम्हारी शरीर सुस्त है, गुरुदेव कहते सुस्त है, ये सुस्त शरीर में जितना दूर होना गुरुदेव ये शरीर को रगड़ रगड़ करके भगवान के भजन कर लो, हरिनाम कर लो, गुरु वैष्णव को सेवा कर लो। गुरुदेव कहते देखो अभी मेरा उम्र हो गया, अभी कभी कभी क्या होता है मैं चाहने पर भी भक्ति करने के लिए अभी भक्ति हो नहीं पाता है, क्यों ये शरीर हमारे साथ यदि भी हमारी शिक्षा के लिए बोलते थे हमारी शिक्षा के लिए हैं ये शरीर अभी हमारे साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अभी तुम लोग जवान हो हैं, ये संपूर्ण एनर्जी को क्या करो गुरु वैष्णव सेवा में भगवत सेवा में रगड़ करके इसको लगा दो, क्योंकि जो सुजोग सुविधा है ना जैसे कोई तबीयत खराब हो गया कुछ हो गया अब चाहने पर भी हरिनाम नहीं कर सकते, चाहने पर भी मंगलार्थ में नहीं आ सकते, चाहने पर भी शरीर से सेवा कर ही नहीं सकते, कभी ऐसी स्थिति आ जाती है। इसलिए प्रभुपाद कहते बोले समय सुजग कहते हर समय नहीं रहता है, देखो जैसे पेड़ जीवन जिसको हो गया, जिसको कुत्ते का जीवन मिल गया, जिसको बैल का जीवन मिल गया, क्या वो चाहने पर हरिभजन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, चाहने पर भी हरिनाम नहीं कर सकते, चाहने पर भी भगवत सेवा कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए कहते सुजग समय हर समय नहीं आता है, इसलिए प्रभुपाद कहते ऐ जने समय व आयु रहते रहते साधु संगे हरि भजन रे सुजग सुविधा ग्रहण करा दरकार। इसलिए समय रहते रहते क्या करो साधु संग में हरि भजन और ये सुजग ग्रहण करना जरूरत है, क्या करो समय रहते बस जितने हो सके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए उठते बैठते सोते हर समय क्या करो भगवान की नाम तो कर सकते, कम से कम भगवान का नाम तो हर समय कर सकते, हाथों में सेवा करो और मुंह में ठाकुर जी की बात, इससे बढ़िया कुछ है ये सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।